एशिया कप 2023 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने मोहम्मद सिराज ने जहां 6 विकेट लेकर सभी फैंस का दिल जीत लिया, वहीं अपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ग्राउंड्समैन को देकर श्रीलंका में भी सिराज के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा की जा रही है। यह अवार्ड पाकर सभी ग्राउंड्समैन भावुक हो गए और ग्राउंड्समैन ने कहा, सिराज ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया जिससे हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको वीडियो में, बने रहें अंत तक। इससे पहले अगर आप भारत की जीत से खुश हैं तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया, जहां श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने मात्र 51 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत ने यह लक्ष्य बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया, जहां ओपनिंग करते आए शुभम गिल और ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी से भारत ने यह लक्ष्य मात्र 6.1 ओवर में ही हासिल कर लिया और इसी के साथ भारत की टीम किसी भी मैच को 6.1 ओवर में जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। मोहम्मद सिराज ने इस मैच में 6 विकेट लिए। जब उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया तो मोहम्मद सिराज ने अपना मैन ऑफ द मैच ग्राउंड्समैन को दे दिया और कहा कि ग्राउंड्समैन की ही बदौलत यह टूर्नामेंट हो सका। उनकी मेहनत और लगन के दम पर ही टूर्नामेंट चलता रहा, वरना एक टाइम ऐसा लगने लगा था कि जैसे टूर्नामेंट पूरा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए मोहम्मद सिराज ने अपने मैन ऑफ द मैच में मिली पूरी रकम को ग्राउंड्समैन को दे दिया और इस पर ग्राउंड्समैन ने भी मोहम्मद सिराज के साथ किया दिल जीतने वाला काम। ग्राउंड्समैन ने के हेड ने कहा, जैसा सराहनीय काम मोहम्मद सिराज ने हमारे लिए किया है, इससे पहले दुनिया में किसी भी बल्लेबाज या गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया। इसके लिए हम मोहम्मद सिराज को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद जब मोहम्मद सिराज को ग्राउंड्समैन ने अपने पास बुलाया तो मोहम्मद सिराज ने सभी ग्राउंड्समैन को सेल्फी देकर ग्राउंड्समैन का शुक्रिया अदा किया। साथ ही ग्राउंड्समैन ने मोहम्मद सिराज के इस काम के लिए उनके पैर भी छुए। ग्राउंड्समैन के मुख्य ने कहा कि सभी ग्राउंड्समैन गरीब परिवारों से आते हैं, ऐसे में मोहम्मद सिराज ने हमें जो पैसे दिए हैं और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया है, उससे हमारी काफ़ी मुश्किलें हल हो जाएंगी। वहीं जेसा ने भी ग्राउंड्समैन को 40 लाख का चेक देकर उनकी मुश्किलों को और आसान कर दिया। सिराज के इस कदम की जहां पूरी टीम और पूरी श्रीलंका के साथ साथ भारत में भी तारीफ हो रही है। आपको बताते चले, मोहम्मद सिराज का यह ओडीआई क्रिकेट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। इससे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज एशिया कप में ऐसा कारनामा नहीं कर पाया। क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।